बिस्मिल्लिम्स असल फाइव क्लास ओ आई यू होप योर फाइनेंस एफ एट होम टू डेट्स आर लेक्चर नंबर फोटीन सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक ट्रांजिटिव एंड इंट्रॉजिटिव वर्ब वर्क बुक पेज नंबर फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन फर्स्ट ये ट्रांजिटिंड ट्रांजिटिव वर्ब ये वर्ब की काइंस हैं सबसे पहले हम वर्ड को पढ़ते हैं वट इज़ वर्ब वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एंड एक्शन वर्ब हमारा वर्ड जो कि हमारे एक्शन को शो करता है वर्ब हमारा काम जो होता है वो शो करता है वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एंड एक्शन तो काइंड देर आर टू ऑफ ये ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्क जो है काइंड हैं वर्ब की काइंड ऑफ वर्ब देर आर टू काइंड ऑफ वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ग ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ग अब ट्रांजिटिव और इन ट्रांटिव वर्क क्या हैं ट्रांजिटिव है इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब क्या है जब सेंटेंस होता है उसके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है ठीक है वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पास ऑब्जेक्ट होता है जिससे ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है अहमद इज रीडिंग अ बुक रीडिंग क्या है रीडिंग वर्ब है और क्या रीड कर रहा है वो बुक तो बुक ये उसके पास ऑब्जेक्ट है ठीक है रीडिंग वर्ब के पास ये ऑब्जेक्ट है बुक तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब इट हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अहमद इज रीडिंग अ बुक रीडिंग वर्ब है और बुक क्या है ऑब्जेक्ट है तो फिर इसके पास वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ना बुक तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ठीक है और इन ट्रांजेटिव वर्क क्या ट्रांजिटिव वर्ब के पास इट हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता इन ट्रांजिटिव वर्क के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता जैसे अली आल वेंट अली चला गया कहाँ चला गया आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास यहाँ अगर होता ना यहाँ पे अली वन टू लाहौर टू लाहौर जो था वो एक ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट फिर ये ये ट्रांजिटिव वर्ब होता अभी इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है अली वेंट जस्ट वर्ब के पास ये वर्ब है ना इसके पास ऑब्जेक्ट कोई नहीं है यहाँ पे तो फिर ये क्या है इन ट्रॉजिटिव वर्ब इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है आई होप आपको समझ आ गया होगी इन ट्रॉजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है ना ओपन योर वर्क बुक पेज नंबर फिफ्टी सिक्स इसका वर्क बुक पेज नंबर फिफ्टी सिक्स ट्रांजिटिव एंड इन ट्रॉजिटिव वर्ब वट इज़ वर्ब वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग ईटिंग प्लेइंग जो हमारा काम होता है एक्शन होता है वो वर्ब है नो हेयर आर सम काइंड ऑफ वर्ब यहाँ पे काइंड ऑफ वर्ब हैं ट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब विच हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब फॉर एग्जाम्पल द मैन ऐट दक हेयर द वर्ब एट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केक यहाँ पे देखे ना मैन ऐट ऐट जो है ये वर्ब है और इसके पास ऑब्जेक्ट है केक तो फिर ये क्या है ट्रांजिटिव वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है द वर्ब विच हैज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कार इन ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के पास वो इंट्रांटिव वर्ब है द बॉयज प्लेड तो प्लेड कहाँ क्या, क्या खेल रहे हैं आगे इसके कुछ नहीं है खेल कौन सा खेल रहे हैं वो नहीं बताया हुआ है हेयर आर हेयर द वर्ब हैज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज नो बैडी नो वर्ट द बॉयज प्ले तो वैसे ही कि जैसे इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है और ना पता है कि बॉयज़ क्या खेल रहे हैं तो ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद नोट है मैनी वर्ब्स कैन बी बोथ ट्रांज़िटिव एंड इन ट्रांटिव और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो वो ट्रांज़िटिव भी होते हैं और इन ट्रांजिटिव भी होते हैं नीचे सेंटेंसेस भी हैं उनमें हम करेंगे अंडरलाइन द ट्रांज़िटिव वर्ब ओनली एंड सर्कल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें सर्कल करना है और जो ट्रांजिटिव होगा उसको अंडरलाइन करना है वी सा द शिप वी सा सा क्या है वर्ब तो ये है ट्रांज़िटिव और शिप क्या है ऑब्जेक्ट द गर्ल लाफ गर्ल लाफ लाफ्ट जो है यहां पे ये यह ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इन ट्रांजिटिव भी हो सकता है तो गर्ल लाफ तो यहां पे हम लाफ्ट को अंडरलाइन करेंगे द चिल्ड्रन आस्ट क्वेश्चन आस्ट क्या है uh, ट्रांटिव और क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्ट तो यह ट्रांटिव uh, हो गया ना ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि आस्ट जो क्वेश्चन है ये जो वर्ब है वर्ब के पास ये ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है द टीचर पनिश्ड पनिश्ड टीचर्स पनिश्ड तो पनिश्ड जो है हमारे पास ये जो है ये ट्रॉजिटिव भी है और इन ट्रॉजिटिव भी है इसलिए हम पनिश्ड को अंडरलाइन करेंगे द ओल्ड मैन ड्रैंक वाटर ड्रैंक क्या है वर्ब है और वाटर क्या है ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब दे फाउट दे फाउट तो आगे आ, इसके तो ये फाउट जो है ये ट्रांजिटिव भी है वर्ब भी वो वर्ब जो है ये इन ट्रॉजिटिव भी है ठीक है द बॉयज पेंटिड सम पिक्चर्स तो पेंटिड है जो वर्ब है और पिक्चर क्या है ऑब्जेक्ट है तो द बॉय पेंटिड सम पिक्चर नेक्स्ट ऑपन पेज नंबर फिफ्टी सेवन फिर पेज नंबर फिफ्टी सेवन बट इज़ द ट्रांजेटिव वर्ब गिव एग्जाम्पल ऑल्सो द वर्ब विच हैज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड आर ट्रांजेटिव वर्ब फॉर एग्जाम्पल क्या है अली प्लेड क्रिकेट द वर्ब विच हैज़ द डायरेक्ट Object is called a transitive verb. For example, Ali played cricket. What is an intransitive verb? Give examples also. The verb which has no direct object is called intransitive verb. For example, they played. The verb which has no direct object is called intransitive verb. For example, they played. Next is change. द इन ट्रांटिव इन टू ट्रांजिटिव वी प्लेड ये इन ट्रांटिव दिए इनको हमने ट्रांजिटिव में चेंज करना सेंटेंसिस बनाने वी प्लेड वी प्लेड क्रिकेट जब हमने इसको वर्ब को एक ऑब्जेक्ट देते ना तो इट मीन्स कि ये इन, ये ट्रांजिटिव में चेंज हो गया वी प्लेड इन द्रीट ये स्ट्रीट जो है ये वर, इसको ऑब्जेक्ट मिल गया प्लेड को तो ये, इन, ये ट्रांजिटिव में चेंज हो गया शी कुक्ड ये intransitive है इसको चेंज करना है हमने ट्रांजिटिव में शी cooked राइस शी cooked मिक्स वेजिटेबल शी cooked राइस शी cooked मिक्स वेजिटेबल्स उसके बाद दे इंजॉयड ये इसको हमने चेंज करना है ट्रांजिटिव में दे इंजॉयड मूवी दे इंजॉयड lot. ठीक है ये सारे हमने चेंज किया है ट्रांजिटिव में योर डायरी लर्न द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब एंड इन वर्ब। तो ये अपनी वर्क बुक पेज नंबर फिफ्टी सिक्स और फिफ्टी सेवन पे है वर्ब की डेफिनेशन ट्रांजेटिव वर्ब की डेफिनेशन और इन ट्रांटिव वर्क की डेफिनेशन ये तीनों डेफिनेशन आपने लर्न करनी है ठीक है ये आपका ये आपका डायरी वर्क है ओके थैंक यू हैव असड डे